तो यह है वुड फिलर का हाफ केज। इसके माध्यम से आप जो भी वुड्स वगैरह के ऑटोमेटिकली डीप वगैरह को फाइंड कर सकते हो और अपनी मशीनरी वगैरह पे इसे अप्लाई कर सकते हो, जिससे हमारी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो एक्यूरेसी एंड हाई एक्यूरेसी के साथ आप वर्क कर सकते हो, जिसमें किसी प्रकार की मिस्टेक्स वगैरह नहीं हो पाती और हमें दोबारा से इसे माध्यम से मेजरमेंट नहीं करना पड़ता। और आप इस गैजेट्स या टूल्स को परचेज कर लेते हो तो अन्य किट्स वगैरह आते हैं जो मेज़र करने के, उन्हें आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसे आप मेज़र करके आसानी से जो भी वुड्स वगैरह की है, चाहे किसी भी प्रकार की वुड्स वगैरह हो, उसका मेज़र आप इसके माध्यम से कर सकते हो और इसे मेज़र करके आप फिक्स कर सकते हो, जिसमें इसमें लॉकिंग सिस्टम आता है, उससे आप मेज़र करके अपने जो राउटर्स वगैरह या बेंच शो या वुड प्लानर्स पे आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इंट्रोड्यूसिंग टूल हेड हाई ग्रेड राउटर बिट सेट, जो कि आपको 35 पीसेस में कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अलग अलग बिट्स वगैरह के अलग अलग वर्क के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसे आप दोनों यूजेस में आप ले सकते हो, चाहे आप पीवीसी का वर्क करते हो या फिर आप जो भी वुड्स वगैरह का वर्किंग करते हो, तो इसमें आप आसानी से इसे यूज़ में ले सकते हो। इसमें जो 35 जो बिट्स वगैरह आपको सेट मिलता है, उसमें अलग अलग साइज़ वगैरह आपको कंपनी द्वारा दी जाती है, जिसे आप अपने राउटर्स या ट्रिमर्स वगैरह में लगा के अपना वर्क को एक फिनिशिंग टच पे दे सकते हो और अलग लेवल पे आप इसे ले जा सकते हो। और इसकी अगर मैं कॉस्टली की भी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यह पर्शियन राउटर बेस, इसके माध्यम से जो हमारे जो मिनी ग्राइंडर वगैरह आते हैं उसे अटैच करके आप आसानी से जो भी वर्क करना चाहते हैं वो आसानी से इसके माध्यम से आप कर सकते हो, जिससे जो भी वर्किंग कैपेसिटी है, चाहे वो स्मूथली एंड एक्यूरेसी के साथ हम जो भी वर्क करते हैं वो स्मूथली तरीके से कर सकते हैं और वर्क भी एक फिनिशिंग टच पे चला जाता है। जो भी इसका बेस है वो हाई एक्यूरेसी के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप जो मिनी ग्राइंडर आता है या फिर राउटर्स वगैरह को आप आसानी से इसके साथ अटैच करके आसानी से अपना वर्क कर सकते हो। सो सेट माइटसो, जो कि एक कारपेंटर के लिए प्रोटेक्टर है, इसे मास्टर शो की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसके माध्यम से जो भी हम कटिंग वगैरह करना चाहते हैं एंगल्स वगैरह में 45 डिग्री या 90 डिग्री किसी भी प्रकार की एक्यूरेसी के साथ आप इस माध्यम से मेज़र कर सकते हो। इसमें दो प्रकार के आपको टू स्केल्स मिलती हैं, एक तो लेफ्ट साइड का एंड एक राइट साइड का। इसके जो भी हम स्केल्स से जो मेज़र करते हैं उसका जो हमें डिग्री वगैरह में अगर मेज़र करना है तो इस स्केल्स के माध्यम से आप मेज़र कर सकते हो और अपना जो भी वर्क करते हो आप किसी भी वगैरह का, चाहे आप वुड वगैरह का वर्क करते हो या फिर आप जो टाइल्स या मार्बल्स वगैरह का आप वर्क करते हो, तो आप इसके माध्यम से आप आसानी से एंगल्स वगैरह में आसानी से इसके जो टूल्स या गैजेट्स हैं इसके माध्यम से आप कटिंग वगैरह कर सकते हो और आपकी जो कार्य करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है इस टूल्स या गैजेट्स के माध्यम से। एयरब्रोटेक का बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्हील, जिसमें आप बहुत सारे एक ही व्हील से मल्टीपल यूजेस में आप ले सकते हो। इसे आप एक ही व्हील से, मतलब आपको अदर परचेज नहीं करनी पड़ती। इसमें आप वुड्स वगैरह का सरफेस वगैरह को अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो एंड डिप्स की जो भी हम खुदाई वगैरह करते हैं वो आसानी से इसके माध्यम से आप कर सकते हो। और इस व्हील से आप मल्टीपल पर्पज़ में आप यूज़ में ले सकते हो, चाहे हार्ड वुड हो, सॉफ्ट वुड हो, कैसे भी वुड हो, उसमें आप इस आसानी से इसके जो वुड्स की प्लानिंग या क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी है वुड है। और इसमें आप इसे मतलब एक व्हील ख़रीदने के बाद आपको दूसरी व्हील्स वगैरह परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस व्हील में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं, इसे बहुत ही आप जो भी अपनी वुड्स वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की आप जो यूज़ में लेना चाहते हो तो आप इसे यूज़ में ले सकते हो।